ये बहुत ही अजीब बात है दोस्तों कि जब किसी को किसी से प्यार होता है तो उसकी रातों की नींद और दिन का चैन खो जाता है। वो इंसान दिन में तारे गिनता है और रातों को खुली आंखों से सपने देखता है। इन शॉर्ट, दिल और दिमाग के कनेक्शन में थोड़ा सा ब्रेकेज आ जाता है। इतना ही नहीं, प्यार में जो होते हैं उन्हें दुनिया तो सुनहरी लगती है लेकिन दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। और इसीलिए तो कहते हैं, प्यार के जज्बातों से आखिर कौन बच पाया है, जिसे भी ये हुआ है दीवाना वो कहलाया है। हमारी इन बातों से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज टैली चक्कर आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक प्यार भरी दास्तान, सिर्फ और सिर्फ आपके सेगमेंट तेरी मेरी कहानी में। आज हम जिस सेलिब्रिटी की लव स्टोरी आपसे शेयर करने वाले हैं, उन्हें आपने स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो दिया और बाती में एस संध्या के किरदार को प्ले करते हुए देखा है, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से खूब नाम और शोहरत भी कमाया और दर्शकों को अपनी अदाकारी से पूरे 5 साल तक एंटरटेन भी किया है। हम बात कर रहे हैं दीपिका सिंह गोयल की। दीपिका सिंह की मुलाकात उनके जीवन साथी यानी कि रोहित राज गोयल से दिया और बाती हम के सेट पर हुई थी। जिस शो में दीपिका एक्ट कर रही थी उसी शो को रोहित डायरेक्ट कर रहे थे और कब रोहित ने अपनी लव स्टोरी दीपिका के साथ डायरेक्ट कर ली पता ही नहीं चला। अट्रैक्शन से शुरू हुई इनकी लव स्टोरी आज एक सुनहरे मुकाम पर पहुंच चुकी है। एक इंटरव्यू में खुद दीपिका ने कहा था कि सेट पर 12 से 18 घंटे दोनों साथ ही काम किया करते थे, जिसके चलते दोनों ही एक दूसरे के लाइक्स एंड डिसलाइक को बखूबी जानते थे। दीपिका को रोहित की तरफ फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी लेकिन वो लिंकअप से डरती थी और इसीलिए उन्होंने शुरुआत में अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दीपिका को एक लड़के के साथ लिंक किया जाने लगा। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब दीपिका और रोहित उनके कुछ दोस्तों के साथ हर ट्यूसडे सिद्धिविनायक जाया करते थे। इस लिंकअप की बातों को क्लियर करते हुए एक बार रोहित ने दीपिका से पूछा कि क्या वो सच में उस लड़के को पसंद करती हैं। तब दीपिका ने इंस्टेंटली कहा कि वो मेरे टाइप का नहीं है और तब बिना वक्त गवाए रोहित ने तुरंत पूछ लिया कि क्या मैं तुम्हारे टाइप का हूँ। भले ही दीपिका ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया लेकिन मन ही मन उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, ये सोचकर कि आग दोनों तरफ बराबर ही लगी है। और कुछ इस तरह से रोहित का प्रपोजल था दीपिका के लिए। इस इंसिडेंट के बाद दीपिका एज एक्टर और रोहित एज डायरेक्टर अपने शो के लिए काम करते रहे और इस बारे में महीनों बातें नहीं हुई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि फिर से ये दोनों सिद्धिविनायक गए हुए थे और तब इन दोनों ने ओपनली अपनी फीलिंग्स को शेयर किया। और फिर क्या था, कुछ वक्त एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दीपिका सिंह एंड रोहित राज फाइनली टाइड द नॉट इन 2014 इन अ हश हश सेरेमनी विद ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। हम अपने दर्शकों को बता दें कि शो दिया और बाती हम ऑफ एयर हुआ था सितंबर 2016 में और तब तक रोहित ने दीपिका को डायरेक्ट किया है इस शो में। और खास बात तो ये है कि दीपिका सेट पर रोहित को हमेशा ही सर कहकर ही बुलाती थी। 2017 में इन दोनों ने बेबी बॉय को वेलकम किया और प्राउड पेरेंट्स बने। दीपिका सिंह आई तो थी दिल्ली से एक्ट्रेस बनने के लिए लेकिन एक्ट्रेस बनने के साथ साथ उन्हें अपने दिल का राजकुमार भी उनके फर्स्ट शो में ही मिल गया। आपका क्या कहना है इनके इस क्यूट सी लव स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टैली चक्कर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.